देखिए मेरी कार्य शैली ये रहेगी, जो गरीब आदमी है उनको न्याय दिलाने के लिए, और जो नशे के बारे में, जैसे नशे की हम मत लाएंगे गांव डोर टू डोर। अगर कोई इस तरह का, अगर कोई नशे नशे की चीज़ होगी तो नशे की सूचना मिलते हैं तुरंत, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो हमारे पास जैसी भी सूचना मिलेगी किसी भी प्रकार की, जो हम ये चाहेंगे भी उनको न्याय जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए, ठीक है, और बढ़िया काम करके दिखाएंगे। तो सर यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर गौ तस्करी और जो डंगर है जानवर पशु है उनकी तस्करी ज़्यादा होती है, उसको लेकर किस तरह जो कदम उठाए जाएंगे? हमारा एक शेरगढ़ नाका लगा रखे हमने, पुलिस नाका वहाँ जो यूपी के बॉर्डर पर है, और हम कंटिन्यू अगर इस तरह की पशु क्रूरता के संबंध में जो भी सूचना मिलती है और तुरंत यानी कि उनको उनको गाड़ी को कब्जे में लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो अभी अभी हमें मैंने ज्वाइन करी है 8 तारीख ने, 8 तारीख से हमने 3 पर्चे दिए हैं, और मैं जो ही आगे भी अगर सूचना ऐसे मिलती रहेगी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। जी, नशे को लेकर क्या कार्रवाई रहेगी सर? नशे को लेकर नशे के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बना रखे हैं। अगर इस तरह के, अगर नशे का कोई कारोबार करता हुआ है या नशे का सप्लाई करता हुआ या बेचता हुआ, तो तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।